अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अहवाले शाहकोट। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम में शाहकोट की बहुत बड़ी नाअहली। वार्ड नंबर 14 मोहल्ला दरबार शरीफ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक। 25 दिनों से गलियों में मौजूद सीवरेज के गंदे पानी ने 60 से 70 घरों में कमोबेश 500 इफराद को महसूस कर रखा है। नाली का गंदा पानी न सिर्फ पूरे मोहल्ले की गलियों में बल्कि बेशतर घरों में दाखिल होकर बाथरूम और बर्तन धोने वाली जगहों तक पहुंच चुका है, जिससे न सिर्फ घरों में सांस लेना महाल बल्कि इलाका मकीन नहाने धोने से भी कासिर हैं। घरों के बाहर और अंदर पानी खड़े होने से दीवारें कमजोर हो रही हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। पानी के जरिए जहरीले जानवर और हशरात ने भी घरों में डेरा डाल लिया है और एक सांप का बच्ची को डसने का वाकया पेश आ चुका है। इलाका मुअज्जिज़ीन की डीएमए ऑफिस और इसी ऑफिस में की गई आहोबका भी अभी तक कोई रंग ना ला सकी। मामूल की बुनियाद पर बनने वाला ये मसला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। शहरियों का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इस मसले से मुस्तकिल छुटकारे की अपील। आइए अहले मोहल्ला से उनकी परेशानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मसला सानू ये क्या, तकरीबन 2 महीने तो साढ़े मोहल्ले दे विच सीवरेज का पानी जा रहा है, तो एसी दफ्तर अपना टीएमओ दफ्तर सारे चक्कर ला ला के असी अक गए हैं, तो साडा यह मसला हल नहीं हो रहा, तो घरां दे विच पानी दाखिल हो रहा है और इस पानी की वजह तो साडियां दीवारां नूं दराड़ां पै गईयां ने, कईयां दीयां सीढ़ियां घरां दीयां गिर गईयां ने, तो पूरा मोहल्ला जिहड़ा ना दरबार सारा पानी ना डुबिया पिया, सिर्फ है सीवरेज जिहड़ा एक मेन होल है बंद होने की वजह तों, तो बड़े ही सानू परेशानी है, तो असी अपने वजीरे आला के इल्तजा करने उत्थे तक साडी आवाज़ पहुँचाई जाए, क्योंकि थल्ले नीचे वाला तबका तो साडी गल सुन नहीं रहा, तो मेहरबानी करके सानू डीसीओ लैवल तक आवाज़ साडी पहुँचाई जाए ताकि साडा यह मसला हल हो जाए। बड़ा दरीना मामला बनया खलोता है, पानी में बच्चे लंघते हैं, कोल बड़ा वड्डा सा गटर है और बड़ा डूंगा गटर है और अगले एक बकरी डिग पई है, एक खोता डिग पिया वे और साडा बड़ा मतलब माली नुकसान हो रहा वे, बच्चे लंघते हैं, औरतें लंघदियां ने, पूरे कम से कम 70 घर केड़ा ने ना, वो मतलब है कि बड़ा मतलब उन्होंने नुकसान हो रहा वे, तो कि महकमे वाले ने साड़ी बिल्कुल गल सुनते नहीं, ना साड़ी गल तो यकीन करते हैं, बड़े बड़े चक्कर ला बैठे हैं लेकिन साड़ी कोई कोक फरियाद नहीं सुनता और पूरे महल के बेच सू मतलब बड़ी तकलीफ है और मेहरबानी की जाए पानी का कोई हल किया जाए। अब तक के लिए बुलेटिन से इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए अहवाले शाहकोट।